गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 4.2 के फर्स्ट 1 to 5 तक क्वेश्चंस थे, जिसमें विदाउट एक्सपेंडिंग करना था आपको बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल शो की थी हमने। सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन भी हो गए थे, इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना था। अब आगे कॉन्टिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th में हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट है 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, शो करना ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो 8th क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। अब इसमें क्या करना है आपको, इनमें ये 1 दे रखा है, जिसमें भी 111 दे रखा हो या बनाना है मैक्सिमम में, हमें यही करना है किसी ना किसी रो या कॉलम में 111 बनाना है। दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब 111 के बाद आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो को ज़ीरो करना है, किन्हीं भी दो को ज़ीरो करना है ताकि वैल्यूएशन ईजी हो जाए। तो ज़ीरो कैसे करेंगे, ये 11 है, आर टू चेंजेस आर टू माइनस आर थ्री। आर टू में क्या चेंज किया मैंने, आर टू में से आर थ्री हटा दी, तो सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये हो जाएगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आर थ्री चेंजेस आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री में क्या चेंज किया, आर थ्री में से आर वन रिमूव कर दिया, आर थ्री में से आर वन रिमूव कर दिया, 1 माइनस 1 ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ फैक्टर बनाने हैं आपको, ये बी माइनस सी है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके 100 ए बी माइनस सी, सी माइनस ए एज इट इज़ ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा बी माइनस सी एंड बी प्लस सी, सी माइनस ए एंड सी प्लस सी प्लस ए। अब आपका जो सेकेंड रो है उसमें से कॉमन आ रहा है बी माइनस सी, सेकेंड रो में से कॉमन आ रहा है बी माइनस सी, बाहर निकाल दिया। थर्ड रो में से कंप्लीट में से कॉमन है सी माइनस ए, ज़ीरो है तो ज़ीरो का मतलब कुछ भी कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो फर्स्ट में से कुछ नहीं किया, एज इट इज़ चेंज नहीं किया, एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड में हमने बी माइनस सी कॉमन ले लिया है तो ये रह जाएगा 1, यहाँ बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा बी प्लस सी, और थर्ड में से हमने क्या कॉमन लिया, सी माइनस ए, तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा सी प्लस ए। तो टेकिंग बी माइनस सी एंड सी माइनस ए कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अप्लाइंग आर थ्री चेंजेस आर थ्री माइनस आर टू, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को, जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ला सकते हैं वो लानी है, उसके बाद इवेल्यूएट करना है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अगर सीधा इवेल्यूएट कर दिया तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो एक जीरो और बन सकती है क्योंकि यहाँ 111 है, तो आर थ्री में क्या चेंज किया हमने, आर थ्री माइनस आर टू कर दिया, आर थ्री ये 0 माइनस 0, ये 1 माइनस 1, ये सी प्लस ए में से बी प्लस सी हटा दिया तो सी कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा ए माइनस बी। अब जो थर्ड वन है इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी, पर डायरेक्ट इवेल्यूएट भी कर सकते हैं। अब 100 है, इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट से, यहाँ से ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दी मैंने, बाकी को क्रॉस करना है, क्या बनेगा इनका क्रॉस, इनका क्रॉस बनेगा 1 इंटू ए माइनस बी माइनस 0 इंटू पी प्लस सी, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये रह जाएगा ए माइनस बी। तो ये 0 0 है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी एक बार करके दिखा दिया मैंने, 0 माइनस 0, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे ए इंटू ए माइनस बी, फिर 0 इंटू ए स्क्वायर, और फिर तीसरा क्या है 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे हम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, बट रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये बाहर 0 है, मल्टीप्लाई में सारा 0 ही होने वाला है। तो ये आ गया ए माइनस बी, तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ई। इसी तरह सेम सेकेंड पार्ट है, यहाँ कॉलम में अप्लाई करना है, वहाँ रो कॉलम में थे 111 तो रो पे अप्लाई किए थे ऑपरेशन, यहाँ रो में फर्स्ट रो में है तीनों 1 तो कॉलम पे ऑपरेशन लगाने हैं। तो इसी तरह पहले सी टू माइनस सी वन और सी थ्री माइनस सी वन किया, यहाँ पर हमने 2 0 बना ली, फिर यहाँ से बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, इसमें से सी माइनस ए कॉमन लेके और फिर इसको इवेल्यूएट कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ स्क्वायर तक था और इसमें क्यूब दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। 9th में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है एक्स वाई जेड,
एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। अब आपको राइट हैंड साइड पर ये चार फैक्टर्स के लेके आने हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो कैसे लेके आएंगे, थोड़ी सी सिमेट्री बनानी है और बन भी रही है। यहाँ पर एक्स चाहिए, यहाँ वाई और यहाँ जेड, तो ये तीनों एक्स वाई जेड बन जाएंगे, कॉमन आके ट्रिपल वन बच जाएगा। तो क्या करना, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ बाहर ले लिया एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। अब आर वन में क्या चेंज किया मैंने, आर वन चेंजेस एक्स टाइम्स ऑफ आर वन। फर्स्ट रो को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक्स से, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट थी एक्स की। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर दिया वाई से, थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया जेड से, तो जो एक्स वाई जेड थे यहाँ पर वो अंदर मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई जेड एक्स, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया वन वन वन। अब ट्रिपल वन बन गया है कॉलम में, तो रो पे ऑपरेशन लगा के इन दो को ज़ीरो बनाएंगे। आर टू चेंजेस आर टू माइनस आर थ्री, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये हो जाएगा वन माइनस वन। आर थ्री में क्या चेंज किया मैंने, आर थ्री माइनस आर वन, फर्स्ट रो को हटाना मतलब माइनस करना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस वन ज़ीरो। अब यहाँ पर फिर आपके फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, ध्यान से देखो, वाई माइनस जेड कॉमन आएगा इसमें से, इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वाई माइनस जेड बाहर आ गया, तो क्या रह गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसी तरह यहाँ जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब था, जेड माइनस एक्स बाहर आ गया, क्या रह गया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो ये थी आपकी वैल्यूज कॉमन लेने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आर थ्री चेंजेस आर थ्री माइनस आर टू, एक स्टेप और करते हैं, थोड़ा और ईजी हो जाएगा। आर थ्री में से आर टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से जेड हट जाएगा, एक्स माइनस वाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब यहाँ फिर फैक्टर बन रहे हैं, ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब इस कंप्लीट में से आपका एक्स माइनस वाई बाहर कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, यहाँ रह गया वन, ये बाहर आ गया, क्या रह गया, एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई बाहर गया, यहाँ रह गया जेड। तो ये एज इट इज़। आप लास्ट स्टेप है, इवेल्यूएशन करेंगे, इवेल्यूएशन कहाँ करेंगे, जहाँ मैक्सिमम जीरोस हैं। तो थर्ड कॉलम से इवेल्यूएट किया मैंने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे आप, और बाकी को इवेल्यूएट कर देंगे, बाकी में क्या बचेगा आपका, वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। सिंपल कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद आपका फोर्थ फैक्टर आ जाएगा, ये आपकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेंथ। टेंथ में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस फोर टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर टू एक्स, सिमिलैरिटी है ना, यहाँ देखो फर्स्ट में एक्स प्लस फोर है, दो टू एक्स हैं, यहाँ दो टू एक्स, एक्स प्लस फोर, इसी तरह सेम यहाँ पर, तो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है क्वेश्चन में। यहाँ ये दो फैक्टर लाने हैं, तीन है, यहाँ होल स्क्वायर है, दो फैक्टर ये हो गए और एक ये हो गया, तो 5x प्लस फोर, ध्यान से देखो बन रहा है ना, 2 और 2 4x, 4x और 1 5x। तो चाहे आप रो पे ऑपरेशन लगाएं या कॉलम पे ऑपरेशन लगाएं, एडिशन का रिजल्ट सेम आएगा। तो c1 चेंजेस c1 प्लस c2 c3, c1 में चेंज किया है तो ये दोनों एज इट इज़ रखने हैं पहले। c1 में क्या चेंज किया, c1 में c2 और c3 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 और 2 4 और 1 5x प्लस फोर, ये भी 2 और 2 4 और 1 5x प्लस फोर हो गया, तो ये तीनों बन जाएंगे 5x प्लस फोर, कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा ट्रिपल वन। अब डबल ज़ीरो बनानी है, वही r2 माइनस r3 एंड r3 माइनस r1 जो पहले किया हमने, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस x, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 4, इसी तरह 1 माइनस 1 ज़ीरो, 2x माइनस 2x ज़ीरो, x प्लस 4 में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस x। आप देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कंप्लीट में से 4 माइनस x कॉमन है आपका, इधर से इसमें 4 माइनस x कॉमन है, तो दोनों हमने बाहर निकाल दिए। यहाँ 4 माइनस x नहीं है तो कॉमन लेंगे तो माइनस 1 रह जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो माइनस 1। तो ये आपको इवेल्यूएट करना है इससे, c1 से इसको एलिमिनेट करके यानी छोड़कर, वैल्यू क्या आ जाएगी, वन इंटू वन
माइनस जीरो इंटू माइनस वन यानी वन आ जाएगा ये। तो ये आ गया 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आपकी राइट हैंड साइड है। और सेम है आपका टेंथ का सेकेंड पार्ट, ये आपको खुद करना है। यहाँ पर भी सेम देखो 3y प्लस के चाहिए ना, y प्लस वाई 3y प्लस के बन जाएगा यहाँ, फिर वो कॉमन आके ट्रिपल वन बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास क्या गिवन है, a माइनस b माइनस सी, 2a। अब यहाँ भी सिमिलरिटी बनेगी, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस बी और माइनस सी है, अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूँ तो बी ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। इसी तरह यहाँ सी और ए माइनस के हैं, अगर ये दोनों ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, सेम यहाँ पर। तो अप्लाई क्या किया मैंने, आर वन चेंजेस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन फर्स्ट रो में मैंने सेकेंड और थर्ड रो ऐड कर दी, तो इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह यहाँ इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ रह गया वन वन वन, ये एज इट इज़। उसके बाद वन वन करने के बाद क्या करते हैं, दो ज़ीरो बनाते हैं। फर्स्ट रो में है तो कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा, सी वन चेंजेस सी वन माइनस सी टू, इसमें से मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ज़ीरो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया ज़ीरो। इसी तरह सी टू माइनस सी थ्री किया मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर कॉमन निकालना है, जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं करेंगे। इसमें से क्या कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो दो फैक्टर कॉमन ले लिए, किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन आ सकता है, डिटर्मिनेंट है ये, पूरे में से नहीं आएगा। तो यहाँ रह गया वन, यहाँ आ गया माइनस वन, यहाँ आ गया वन। आप यहाँ पर सी थ्री से इवेल्यूएट कर देंगे, वन है यहाँ पर, वन इंटू वन माइनस ज़ीरो हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपकी राइट हैंड साइड है। सेम क्वेश्चन है यहाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और साथ टू और शो करना है। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई, इनको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएगा। इसी तरह ये कॉमन आ जाएगा, ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखना और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ये जो ऑपरेशन है इसके अकॉर्डिंग। और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ये 11th तक क्वेश्चंस हो गए आपके 4.2 के। थैंक यू।